होती है सूर्य की सबसे पहली किरण। सूर्य नगरी जोधपुर की हर खबर को पहुंचाएंगे हम आप तक। मैं नरेंद्र ब्रोहित, न्यूज फ्लैश जोधपुर। जोधपुर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका शेखावत और आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश टीवी। जोधपुर में चल रही राष्ट्रीय नाट्य शास्त्र कार्यशाला में तीसरे दिन अभिनव पर चर्चा की गई तथा कुछ कलाकारों ने हास्य रस रंग रस कोर क्रोध करुणा के अभिनव पर अपनी कला को जीवंत किया। कार्यशाला में आयना की किसे जुड़े लोगों ने हास्य रंग रस भाव का अभिनव कर जीवंत बताया और अपने अपने रंग भाव से अभिनव करके उसको समझाया गया। काफी महत्वपूर्ण नाटक की विशेष चर्चा की गई जिसमें बाहर से आए विशेषज्ञों ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई। भाव की अलग अलग मुद्रा में किस तरह से अभिनव करने की जानकारी दी गई। खुशी के प्रसंग को गम में बदलना और गम के भाव को खुशी में बदलना अभिनव के माध्यम से जानकारी दी गई। इसका समापन 17 तारीख को होगा। नजरिए सबके अलग अलग होते हैं, हो सकता है किसी के भी एक या मतलब उसमें उसकी मतलब ये हाउसवाइफ प्रतीक्षा कर रही है, इसके सारे रूप इसमें आ जाएंगे। वो विरोध कंठिता है, यदि प्रेम बचा हुआ है, बचता नहीं है कई बार तो, लेकिन वो प्रतीक्षा कर रही है। अब उसमें नाटशास्त्र में तो बहुत सारे बताए उन्होंने अनुभव वगैरह कि बार बार तोरण पर जाकर के देखेगी और यूं आंखें यूं भौहें होंगी। अब मॉडर्न सेटिंग में भी इसको विरोध लेके आए जो अभी औरंगाबाद है, वापिस भी दिल्ली लाए, फिर कभी 20 साल बाद गया तो उसकी जो योजना थी लक्ष्य तो पूरे नहीं हुए, तो उसका जो एक गलाली असफलता की जो एक पीड़ा थी वो उस इस स्पीच में अभी व्यक्त होगी। आप इस वाइफ माँ हो, अब संभाल लीजिए सब। और अचानक रुलाई फूट पड़ती है, ये भाव ऐसे विकसित होते हैं अपने आप से कि वो जो डायरेक्टर थे निर्देशक उमंगों भरी उम्र है, पूरी आलम को फतेह करने के पास देखने को। अरे जब मैं पहली बार पर्वतमाला आया था तब तुम्हारी मूर्खता इस किले की तामीर में लगा था, एक आत्मकार इस किले के पुराने पुरुष पर खड़ा था, कभी भी मशाल जी के हाथ में मशाल पकड़ेंगे ढूंढेंगे। तो उसकी थोड़ा प्रीफेस बताता हूँ कि खबर जोधपुर से। मिलावटी डीजल मामले में पिपार थाना पुलिस ने गत 8 दिसंबर को बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 16,000 लीटर मिलावटी डीजल बरामद करते हुए एक आरोपी राजेंद्र विश्नोई को गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने कल एक और आरोपी सुरेश विश्नोई को गिरफ्तार किया था। आज के पास थाना पुलिस ने आरोपी सुरेश विश्नोई को ग्रामीण CJM कोर्ट में पेश किया, जहां पर मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी को आगामी 18 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर सौंपा है। पिपार थानाधिकारी बाबूलाल राणा ने बताया कि इस मामले में उसके बाद और भी खुलासे होने की उम्मीद है। खबर जोधपुर से। जोधपुर, हर कोई वर्ग के लोग शहीद हुए जनरल बिपिन रावत और उनके साथ सैनिकों के जवान को श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं। उसी के तहत राजस्थान शारीरिक शिक्षा संघ के कीड़ा संगम गौशाला मैदान में कैंडल जलाकर पावटा चौराहे तक पैदल मार्च निकाला जा रहा है। अध्यक्ष गणपत सिंह जैतावत ने बताया कि राजस्थान शारीरिक शिक्षा संघ में गौशाला मैदान से पावटा चौराहे तक कैंडल मार्च निकालकर जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। पावटा चौराहे स्थित मेजर शैतान सिंह की प्रतिमा पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई।
हमारे देश के मुख्य रक्षा संपदा अधिकारी सीडीएस जनरल रावत साहब, विपिन जी रावत और मधुलिका जी रावत और उनके साथ अन्य जो देश की सेवा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उसके लिए राजस्थान शारीरिक शिक्षक संघ जोधपुर की ओर से गौशाला मैदान में श्रद्धांजलि अर्पित की और वहां से कैंडल मार्च करते हुए परमवीर मेजर शैतान सिंह जी को जहां पावटा चौराहे है वहां पर आकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई और मोमबत्ती जलाकर देश के सभी शहीदों के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया और सादर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।